चलो आज एक ऐसा चैलेंज लेते हैं जिसमें हम जो डीआईवाई बनाएंगे वो टोटली वेस्ट सामान से होने वाला है। आज हम इसमें भर भर के अपना कबाड़ यूज करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मधु। तो चलो अपने जादू की अलमारी से कुछ सामान बटोरते हैं और बनाते हैं एक यूनिक सा डीआईवाई। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ सामान पिक कर रही हूँ। तो जो क्राफ्ट का सामान है ना, वो मैं अपना इसमें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इसके अलावा जो खाली बॉटल्स और जो वेस्ट सामान होते हैं जिससे मुझे लगता है कि कुछ डीआईवाई बना सकते हैं, उनको भी मैं इसमें अरेंज करके रख लेती हूँ जिससे कि बाहर ये फैला हुआ ना लगे। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स लेंगे, जो कि मैंने यहाँ कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है। ये मोल्डेड क्ले का बॉक्स था जो कि खाली हो गया था, तो आज हम इसी का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ बॉक्स नहीं है तो आप मोबाइल बॉक्स जो आते हैं ना उनको भी ले सकते हैं। इसके बाद आती है इंटरेस्टिंग पार्ट की बारी। तो देखो, जो भी मेरे पास कबाड़ था ना, छोटा 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 जो भी चीज़ें इकट्ठी थी, बस ये कॉइन को छोड़ के बाकी सब यहाँ वेस्ट है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टूटी फूटी ज्वेलरी, पिंस और कुछ ये राखी वगैरह है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं ना छोटी सी, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्राफ्ट की सबसे खास बात यही है कि इसमें ना बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैंने दिखाया है वही सेम आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो भी वेस्ट से वेस्ट सामान है, पुरानी ज्वेलरी हो गई, पुराने इयररिंग्स, टूटी फूटी ज्वेलरी, कोई बीड्स हो गए, बटन्स हो गए, सेफ्टी पिन हो गई, और छोटे छोटे कॉम वगैरह जो आते हैं, मिरर हो गए, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा डिज़ाइन के हिसाब से या अच्छे से अरेंज करके आपको लगाना है, बस उसी में थोड़ा टाइम लेना है। जब कभी भी हम क्ले से कुछ बनाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत क्ले बच ही जाती है, तो उसकी ना छोटी छोटी सी चीज़ें बना के रख लिया कीजिए। जैसे कि छोटी सी लीफ हो गई, कोई भी शेप दे सकते हैं, काउरी शेल का शेप दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जैसे हमें कभी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह की शेप्स वगैरह मेरे पास पड़ी थी, तो मैं उन्हीं का यहाँ पर यूज़ करूँगी। और इसी तरह से मेरा एक POP के क्राफ्ट से कुछ एक्स्ट्रा POP बच गई थी, जो कि मैंने मोल्ड्स वगैरह में डाल के उसको एक शेप दे दिया था। तो वहाँ पर कुछ डिज़ाइन और पैटर्न बन के तैयार हो गए थे, जो कि मैंने बहुत संभाल के रखे हुए थे। तो मैं उनको यहाँ पर कुछ लगा दूंगी जिससे कि हमारी कुछ डिज़ाइन और बेटर लग सके। बट ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर आप उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। और आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ क्या क्या लगा दिया है, तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि हमें यहाँ क्या करना है। बस हमें डिज़ाइन को देखना है और अपनी चीज़ें यहाँ चिपकाते जाना है। तो भाई, मेरे पास तो जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट चीज़ें पड़ी थी वो तो मैंने सारी इस बॉक्स पे चिपका दी हैं। और ऐसे ही अगर आपके पास भी हैं तो आप भी ऐसे ही यूज़ करके ये DIY तो ज़रूर बनाइए। इसके बाद मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट लिया है और सारे बॉक्स को कवर कर दिया है। बॉक्स को मैंने अंदर से भी पेंट किया है जिससे कि हमारा जो बॉक्स है वो एक जैसा हमें दिखाई दे। और देखो, जो भी चीज़ें हमने चिपकाई है ना, वो हमारी कितनी अच्छी लग रही हैं ब्लैक पेंट करने के बाद में। और इसके बाद अब मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ, और गोल्डन कलर फिंगर की हेल्प से हमें लेना है और कुछ इस तरह से रब करते हुए सारे जो पीसेज हैं उनके ऊपर लगा देना है। और इनमें कोई सफाई की ट्रिक नहीं है, आप इजीली इसको ऐसे रब कीजिए और जो जो उभरी हुई जगह होंगी ना उसके ऊपर अपने आप ही ये कलर लग जाएगा। और इस तरह से अपने पूरे बॉक्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। कलर होने के बाद कुछ देर ड्राई होने के लिए रख देंगे और अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।
प्यारा सा एंटीक बॉक्स बनके तैयार है। आप इसे कोई गिफ्ट बॉक्स भी कह सकते हैं, ज्वेलरी बॉक्स कह सकते हैं। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक बॉक्स और रेडी किया है और उसमें भी आप देखिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं। और दोनों बॉक्सेस में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट DIY आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।